खबर बाराबंकी जनपद से, जहां बाराबंकी के थाना रामनगर पुलिस ने लवकुश हत्याकांड का सफल अनावरण किया। आपको बता दें कि अवैध संबंध को लेकर हत्या की गई थी। हत्या करने वाले देवर भाभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का अनावरण करते हुए क्षेत्राधिकारी रामनगर ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। लवकुश जायसवाल है, प्रणाम लाल जी जायसवाल, ये निवासी बहरमपुर के है। ये अमोली कला में एक शराब की ठेके की दुकान है, उसके बगल में ये अंडे की इनकी दुकान है, कि वहाँ पे अंडे की दुकान चलाते थे। अमोली कला के रहने वाले एक हमारे रितेश सिंह हैं, ये फरवरी में NDPS में जेल चले गए थे। इनकी पत्नी का नाम प्रतिभा सिंह है। किसी तरह इनका संपर्क हो गया लवकुश जायसवाल का इस महिला से, प्रतिभा सिंह से। ये बात चर्चा में आई और ये चर्चा रितेश के भाई सर्वेश सिंह है, उसको किसी तरह पता लगा कि मेरी भाभी के संबंध जो है इससे लवकुश जायसवाल से हो गए हैं। 24 तारीख को लवकुश जायसवाल अपनी दुकान बंद करके और इसके प्रतिभा के पास आया। आने के बाद में घर में इसके पास सोया, ये बात इसको भनक लग गई सर्वेश को। तो सर्वेश ने अपने भाभी से पहले से तय कर लिया कि ये तुम गलत कर रही हो, तो उसको भी इसी में शामिल कर लिया और उसको दोनों ने मिल के घर में उसी दिन मार दिया। पहले उसे सिलबट्टा होता है, उससे उसका सर कुचल दिया। कुचलने के बाद में इसने अपनी भाभी को नेक्स्ट डे सुबह मायके भेज दिया, गोंडा में जिसका मायका वहां भेज दिया। और इसके बाद में इसने रामनगर से गड़ासा ले जाकर उसमें धार लगवा के उसके 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में अगले दिन रात में 2 बोरियों में भरकर इसकी डेड बॉडी को घाघरा नदी में बहा दिया।